जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, आखिरकार इसको क्यों मनाया जाता है, वर्ष 2023 के लिए क्या थीम रखी गई है और रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटे के निशान को दबा देना है, बाकी वीडियो को कर देना है लाइक। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, रेड क्रॉस दिवस का इतिहास क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। इनके जन्मदिवस के रूप में रेड क्रॉस को मनाया जाता है, जिसको विश्व रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, विश्व रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी, जिसके लिए उन्हें पहला नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1919 में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय समितियों का गठन किया था। ठीक है, इन संस्थाओं का उद्देश्य था विकट परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से मानव जाति की सेवा करना। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के आदर्शों और उपलब्धियों को याद करते हुए हर साल इसे एक उत्सव के रूप में 8 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे रेड क्रॉस क्या है। तो देखिए, रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बिना भेदभाव के युद्ध हो गया, महामारी हो गया, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में लोगों को जीवन की रक्षा करना है। इसके साइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस साइन इसका जो है कि चिन्ह होता है। विश्व रेड क्रॉस के जनक कौन थे, जिन हेनरी ड्यूनेंट थे, इन्हीं के जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए 8 मई 1888 को, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, 8 मई 1828 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, और हेनरी ड्यूनेंट को वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, 1863 में हुआ था। और भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साल 1948 में मनाया गया था पहला रेड क्रॉस दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हर वर्ष इसे मनाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे 8 मई 1948 को पहली बार इसको मनाया गया था, और साल 1984 में आधिकारिक रूप से इसका नाम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे रख दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, हमने आप ही को पहले ही बता दिया, मानव सेवा को मूल कार्य मानने वाली यह संस्था महामारी जैसी आपदा में भी पीड़ितों की सहायता करती है, और सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस इसका चिन्ह है, इस संस्था का निशान है, जिसका गलत इस्तेमाल करने वाले पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया जाता है। मानवीय जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के मिशन के साथ 1863 में स्थापित संगठन रेड क्रॉस अपने वॉलेंटियर वर्क यानी कि स्वयं सेवा के लिए जाना जाता है। स्वयं सेवा मतलब अपनी इच्छा से लोगों की यह सेवा करते हैं। इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, कब कब, एक बार 1917, 1944 और 1963 में। ठीक है, इसकी स्थापना हमने बता ही दिया 8 मई को हुआ था हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। और यह संस्था जो है युद्ध काल में लोगों की मदद करती है स्वेच्छा से, मानव सेवा। देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस की शुरुआत किसने की थी, तो हेनरी ड्यूनेंट ने। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1917, 1944 और 1963 में, इसे याद रखना है। 2023 के लिए थीम क्या है, मानवता की भावना का जश्न मनाने और उन व्यक्तियों को पहचानने का समय है जो अपने समुदाय में बदलाव लाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।